आंटी सुजॉय तुम यहाँ पर? आंटी वो मुझे मानवी का कॉल आया था, उसने कहा कि अंकल की तबीयत कुछ। आंटी आखिर हुआ क्या है, क्या कह रहे हैं ये लोग? बेटा पता नहीं ये लोग मुझे कुछ भी नहीं बता रहे और मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब लटका लटका के फाइनली मरने की कगार पर पहुंच गया है ये बुड्ढा। चल सही है सुजॉय, उसके साथ साथ तेरा सर दर्द भी खत्म हो जाएगा, कभी किसी को सच का पता ही नहीं चल पाएगा। आंटी सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मिसेस चैटर्जी, डॉक्टर चेकअप कर चुके हैं, वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं। आइए मिसेस चटर्जी, बैठिए। डॉक्टर साहब वो मेरे पति वो ठीक तो है ना? देखिए मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, लेकिन उसमें एक अजीब सी चीज सामने आई है। माँ आइए मानवी बैठिए। अभी मैं आपकी मदर को यही बता रहा था, आज जो फ्रेश रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें आज एक अजीब सी बात सामने आई है। डॉक्टर कोई बुरी खबर है क्या? डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करवाना पड़े हम करवाएंगे। सच कहूँ तो ऐसा केस लाइफ में मेरे पहली बार आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ मिसेस चटर्जी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट काफी तेजी से हो रही है, बल्कि आज वो कोमा से बाहर भी आ सकते हैं, बॉडी में मूवमेंट भी है, शायद उनको थोड़ी देर में होश भी आ जाए। मैं तो बस उनकी रिपोर्ट देख के इसलिए शॉक था क्योंकि मैंने इतनी तेजी से रिकवर होते हुए किसी पेशेंट को नहीं देखा, पर आपके बाबा सच कहूं इज अ रियल फाइटर। मैं एक बार उनको फिर चेक कर लेता हूं, फिर आप सब उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। माँ मैंने आपको कहा था ना कि बाबा ठीक हो जाएंगे, बस अब एक बार बाबा को होश आ जाए फिर उनसे हमें पता चल जाएगा कि आखिर उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। अगर राहुल हुआ तो उसे मैं खुद जेल भिजवाऊंगी। इस बुड्ढे में इतनी जान कहां से आ गई? टेम्पो के नीचे आने के बावजूद बच गया, इसको किसी भी तरह कोमा से बाहर आने से रोकना होगा। ये होश में आ गया तो मैं मर जाऊंगा, क्या करूं? वो मैंने पापा को अंकल के बारे में बता दिया था तो वो परेशान हो रहे होंगे, मैं उन्हें एक फोन करके आता हूँ। मैं भी आता हूँ सर, मैं रिपोर्ट लेकर आपके कैबिन के पास ही आ रहा हूँ। जी सर। और कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरह मुझे इस बुड्ढे को खत्म करना होगा।